आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कर्नल अजय जी, सबसे पहले एग्री कम्युनिटीज़ में आपसे सोयाबीन के ऊपर बात करना चाहूँगा। सोयाबीन में आपने मार्केट टाइम सीवी के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि ज़्यादा मंदी की संभावना नहीं है, निराश नहीं होना पड़ेगा, और हमने वैसा होते हुए देखा भी है बखूबी। अनेक फैसलों के बावजूद सोयाबीन निचले स्तरों से उठती नजर आई थी। हमने वायदा कम्युनिटीज़ पर बैन लगने के बावजूद भी और कई राज्यों में स्टॉक लिमिट लगने के बावजूद भी सोयाबीन की कीमतों में निचले स्तरों से खरीदारी बनते देखी है। NCDX पर जब वायदा पर बैन लगा था तो सोयाबीन नीचे में 5600 तक ट्रेड करती नजर आई थी, वहीं आज देख रहे हैं कि 6300 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। 6300 की इनफैक्ट ऊपर ही है, 6355-50 के आसपास है, लगभग 700-750 पॉइंट्स की तेजी बनती है। ये कर्नल अजय जी, आपने पहले ही बता दिया था कि सोयाबीन में ज़्यादा गिरावट नहीं है और वो हम होता हुआ अब देख रहे हैं। अब यहाँ से आपको क्या लगता है सोयाबीन में आगे कैसा रुझान रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि सरकार ने सोया खली यानी कि जो DOC है उसके पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री 3 महीने से ज्यादा उसको स्टॉक करके नहीं रख सकती है। अखिलेश जी, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ और मार्केट टाइम्स टीवी के सभी दर्शक बंधु जो हमारे प्रोग्राम्स को बहुत मान सम्मान देते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं और अब उसमें कमेंट्स भी लिखते हैं, मैं उन सबका साधुवाद कहता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। देखिए, जब बाजारों के अंदर तिलहन के ऊपर अफरा तफरी थी, चाहे मिलर्स हों, चाहे व्यापारी हों, कारोबारी हो या फिर किसान बंधु, सभी बड़े असमंजस की स्थिति में थी उस वक्त भी हमने यही कहा था कि बिल्कुल हैरान परेशान मत होइए, ये जो मंदी का थोड़ा सा जो दौर है ये एक टेम्परेरी या दौर है और इसके अंदर कुछ आपको और हमारा मत अनुसार यही था कि इसके अंदर तेजी बनेगी। देखिए, लगभग नीचे के स्तर से करीबन 700-750 रुपए की तेजी बन गई है और ये लगभग 15% का होता है। अब महत्वपूर्ण ये होता है कि देखिए, कभी भी कोई तेजी या मंदी और सन 2022 का जो टाइम रहेगा उसके अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि उसकी वजह भी है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल नजदीक हैं और सरकार किसी भी कीमत के ऊपर अपना पूरा प्रयास करेगी कि खाद्य तेलों के अंदर तेजी ना रहे। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी एक खबर के जरिए बताया है कि देश की अग्रणी खाद्य तेल कंपनियों ने अपने खाद्य तेल ब्रांड्स के अधिकतम खुदरा मूल्य जो MRP है उसमें 10-15% तक की कमी की है। और गौरतलब है कि मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से हम लगातार इस पॉइंट को उठा रहे थे कि जब तिलहन के यानी ऑयल सीड्स के भाव गिरते हैं तो MRP के अंदर नहीं गिरते, कोई गिरावट होती, और रिटेल यानी खुदरा विक्रेता ये कहते हैं कि हमारा तो पिछले तेजी से आया हुआ है और हम MRP पे ही बेचेंगे। देखिए, उस मुहिम का एक नतीजा ये आया कि अब MRP में 10-15% की कटौती हो रही है। इसमें अडानी विल्मर है, फॉर्चून ब्रांड है, रुचि सोया ने महाकोर, सनरेच, रुचि गोल्ड, न्यूट्रेला और इमामी जो वो भी अग्रणी कंपनी मानी जाती है हेल्दी और टेस्टी ब्रांड पर, ब्रज ने डालडा, गगन चंबल ब्रांड और जेमिनी ने फ्रीडम सूरजमुखी तेल की MRP घटा दी है। तो ये एक अच्छा संकेत है और जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन के ने कहा है कि सभी ब्रांडों के तेल में लगभग 10-15% की कमी हो गई है, आम लोग महंगे तेल से राहत के लिए एक कदम उठाया गया है। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि उम्मीद है कि आने वाले महीनों में खाद्य तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में नरमी आएगी और देश के सरसों की बड़ी फसल आ जाएगी, इससे नए साल में खाद्य तेलों की कीमत कम होगी, ये है एक आकलन। अब एक बड़ा प्रश्न है कि जब खाद्य तेलों के भाव गिर गए थे, जब सोयाबीन के भाव गिर गए थे,
ये पिछली दो बार कुछ महीनों में दो बार हुआ है। पहले सरसों के वायदे पे रोक लगी थी, स्टॉक लिमिट थी, आयात में के ड्यूटी में कमी की गई थी, पाम ऑयल को ड्यूटी फ्री कर दिया गया था, उससे बुरी तरह से फसल के टाइम सोयाबीन में सितंबर अक्टूबर के अंदर नतीजा आपके सामने है। उसके बाद पुनः अब सोयाबीन और रिफाइंड और पाम जैसे महत्वपूर्ण ऑयल चीट की वायदा बाजार की ट्रेडिंग में रोक लगी है। और उसके बाद में भी जिन्होंने हमने पहले भी चेताया था, दूसरी बार भी हमारी यह भविष्यवाणी पूर्णतः सत्य साबित हुई। हमें आज मुझे लगता है कि कुछ तेजी रह सकती है और ऑयल सीड के जो तिलहन है उसकी तेजी मंदी पर एक विशेष शो मैं आपके साथ करना चाहूंगा अखिलेश जी, जब भी आपको समय मिलता है दर्शकों के लिए, कि आने वाले एक से डेढ़ महीने में बहुत बड़ी उतार चढ़ाव होगा खाद्य तेलों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या वो तेजी के होंगे या मंदी के? याद रखिएगा कि पिछली दो बार की मंदी की सूचनाएं थी, मंदी की जो अफवाहें थी, मंदी की जो विश्लेषण था सभी मार्केट विशेषज्ञ ने, सारे मिल ऑनर्स को बुरी तरह से परेशानी में डाल दिया था कि पहले भी वो माल नहीं खरीद पाए थे, उसके बाद तेजी लगभग 30-35% की तेजी हुई, उसके बाद अभी एक सप्ताह के अंत के से पहले का भी यही हुआ कि बाजार के अंदर मंदी 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 की चारों तरफ से खबरें आने लगी और उसके बाद भी फिर उन्होंने किया, फिर बाजार में रेट बढ़ गए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है मिल ऑनर्स की कि जब वो मंदी सोच रहे होते हैं, बाजार में मंदी की अफवाह होती है, उसके बाजार में तेज हो जाते हैं, जब तेजी होती है तो मंदी हो जाती है। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही आपको अग्रिम आगाह करती है और वो लगभग सत्य भी साबित होते देखे गए हैं। दूसरा आपका सवाल था अखिलेश जी कि सोयाबीन की खली के लिए, तो मेरा एक सीधा सा सवाल है, एक सीधी सी एक सीधा सा मत है, 3 महीने यानी 90 डेज की जो अवधि है, आज की इस तेजी मंदी के दौर में कौन और कितने व्यापारी हैं या कितने पोल्ट्री फार्म वाले हैं या कितने वो जो लोग हैं जो 90 दिन से ज्यादा का माल रखते हैं? जी, मेरे मतानुसार 90 दिन का माल से ज्यादा का माल इस उतार चढ़ाव बाजार वाले बाजार में रखना ही मुश्किल है। तो इसके अंदर सरकार ने लिमिट 90 दिन की लगाई है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने लगा दी है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, इससे सही रहेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि 90 दिन से ज्यादा माल रखते कितने लोग हैं जी? कितने लोग ना साल भर का स्टॉक रख रहे हैं, कितने लोग 6 महीने का स्टॉक रख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और जब इतनी तेजी से बाजारों में उतार चढ़ाव हो रहा है, एक तरफ तो पोल्ट्री फॉर्म वाले ये भी कह रहे हैं कि इसमें बहुत तेजी है, हमारा पड़ता ही नहीं बैठ रहा है, तो वो 90 दिन से ज्यादा रखने की उनके लिए ताकत ही नहीं है। और सोया डीओसी पे चाहे आप लिमिट कितना भी लगाए, व्यापारी जो एक मध्यम कारोबारी है वो नहीं किसी भी कीमत में 3 महीने का स्टॉक से ज्यादा तो रखता ही नहीं है, और ना उनकी क्षमता है आज के दौर में, क्योंकि एकदम से यदि आप बिनौला खली के भाव देख लें या इसका सरसों का आप देख लें, किसी भी व्यापारी जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है वो 3 महीने से ज्यादा रखता ही नहीं है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, और जब भी बाजार में भाव घटेंगे तो उसका असर भी स्वाभाविक रूप से पड़ना है, और तेजी होगी तो भी स्वाभाविक है। लेकिन अभी तो खली के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी मिलर्स हैं, जितने भी बड़े कारोबारी हैं या छोटे कारोबारी हैं, उनकी पेशानियों पे तो सलवटे ही हैं, उनको बहुत बुरी तरह से परेशानी हो रही है कि अब क्या करें, क्योंकि मंदी के अंदर माल जब मार्केट विशेषज्ञ बोल रहे होते हैं तो मंदी के बाद तो एकदम से तेजी आ जाती है, तो वो क्या करें, वो माल उस टाइम भी चूक जाते हैं। तो मैं यही आप दर्शकों को कहूंगा कि मार्केट टाइम्स टीवी पर बिल्कुल आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का मत देखना बिल्कुल ना भूलें, यदि कारोबार के अंदर लंबे समय तक रहना है तो, क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस का ये अद्भुत संगम संभवतः विश्व में एक या दो प्लेटफॉर्म पे ही उपलब्ध है, बाकी और कहीं नहीं है, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, यही मेरा कहना है जी अखिलेश जी। जी, तो यानी कि सर आगे जो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं बड़े बड़े राज्यों में, उसके मद्देनज़र सरकार भी यही चाहती है कि आम उपभोक्ताओं को, आपको, हमको, आम जनता को जो खाद्य तेल है वो सस्ती कीमतों पर मुहैया कराए जा सकें।
जिसकी वजह से सरकार पूरी पूरी कोशिश करेगी कि खाद्य तेलों की कीमतें नीचे भी रहें। हालांकि भारतीय तेल तेलन की जो कीमतें हैं वो विदेशों से तय होती आती हैं, लेकिन अभी सरकार का जो इस पे इंटरप्शन हो रहा है, सरकार का जो इंटरवेंशन हो रहा है अभी इसमें बीच में विधानसभा के चुनाव के चलते, उसके चलते खाद्य तेलों में गिरावट बनी भी है। जैसा कर्नल अजय जी ने बताया कि प्लांटों ने अपने भाव लगभग 15-20% कम भी किए हैं, तो उसका असर हम तेल तिलहन के बाजार पर जरूर पड़ता देखेंगे। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, आगे तेजी रहेगी, मंदी रहेगी, और आगे 1-1.5 महीने में तेल तिलहन में बड़ा उतार चढ़ाव होने वाला है। कर्नल अजय जी उस पर भी आप सबके लिए, दर्शकों के लिए शो लेके जरूर आएंगे मार्केट एम सी वी के माध्यम से ही, उसको देखना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द आप सबके लिए खाद्य तेलों पर कर्नल अजय जी एक शो भी लेके आएंगे, जिसमें बताएंगे कि आगे तेजी रहेगी, मंदी रहेगी, 1-1.5 महीना खाद्य तेलों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत में खाद्य तेलों का रुझान कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा होगी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।